ऑपरेशन कराने की नौबत तब आती है जब हम लोग कान का पर्दे का पहला एग्जामिनेशन करते हैं और पेशेंट से ये पूछते हैं कि कान के बहने की समस्या आपकी कितनी लंबी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर कोई मरीज बोल रहा है, अगर किसी मरीज से अगर को ये प्रॉब्लम है कि उनके कान की बहने की समस्या कुछ दिनों से शुरू हुई है, जैसे एक महीने दो महीने से हमारा कान बह रहा है, तो वैसे केस में उन लोगों को ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, अगर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी ये समस्या बचपन से चली आ रही है, कि बचपन से ही ये समस्या हमारी कान बहने की चल रही है, तो वैसे लोगों को कान के ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरी बात है, कान का जो चदरा फटता है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जो चदरा फटने का कारण है, तो एक है कि इन्फेक्शन, जिसके कारण कान का चदरा फट जाता है। दूसरा ऐसे भी देखा गया है जिसको ट्रॉमा बोलते हैं। तो ट्रॉमा का मतलब होता है वो किसी कारण से हो सकता है, जैसे कि कभी अचानक से ब्लास्ट इंजुरी हो गई तो उससे भी चदरा फट जाता है। कभी अगर किसी ने किसी को कुछ असॉल्ट का केस है, कुछ मारामारी हो गया, अगर किसी ने किसी को कुछ थप्पड़ लगा दिया, तो उससे भी प्रेशर चेंज होने से कान का चदरा फट जाता है, जिसको एक टर्म बोलते हैं ट्रॉमेटिक परफोरेशन। तो जहाँ ये केस आता है, तो इस केस में चदरा खुद से ही भर जाता है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है कि इस तरह के असॉल्ट के केस में या ऐसे केस में वो ऐसा लोग हड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं हमारा चदरा फट गया, और वो तुरंत ऑपरेशन के लिए वो राज़ी भी हो जाते हैं। बट इस तरह का जो चदरा फटता है, इस तरह के चदरा में हील करने की क्षमता होती है, और 3-4 महीने अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरह का चदरा खुद से भर जाता है। तो वैसे केस में आपको तुरंत हड़बड़ा के ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस केस में प्रिकॉशन लिया जाता है कि आपके कान में पानी नहीं जाना चाहिए, मतलब आपका कान सूखा रहना चाहिए। तो कान सूखा कैसे रखेंगे? तो जब भी आप नहाते हो, तो नहाने के पहले अगर आप सर से नहा रहे हो, तो कॉटन में थोड़ा सा वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा के कॉटन को ऐसे डायरेक्ट कान पे नहीं लगाना है, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट कॉटन को लगाओगे तो कॉटन गीला हो जाता है और फिर वो गीला कॉटन से कान के अंदर आपके पानी जाएगा। तो मेक श्योर कि लगाने के पहले आप उसमें थोड़ा सा वैसलीन पेट्रोलियम जेली या थोड़ा सा ऑयल लगा लो और फिर कान को अच्छे से प्लग कर लो, और तब आप हेडबाथ ले सकते हैं। तो वैसे केस से कान में पानी नहीं जाता है। तो कभी भी अगर कान से बहने की समस्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके कान में पानी नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ का आपको सावधानी बरतना है। और जहाँ तक मैंने ये बताया ऑपरेशन की बात, तो ये मैंने ट्रॉमेटिक परफोरेशन, जिसमें अचानक से कुछ ऐसा असॉल्ट या ब्लास्ट इंजुरी, किसी तरह का कुछ ट्रॉमा हुआ जिसके कारण आपका चदरा फट गया, जिसमें आप 5-6 महीने भी इंतज़ार कर सकते हो और वो पर्दा फिर से भर जाता है, और अगर फिर नहीं भरा तब आप ऑपरेशन के बारे में सोच सकते हो। बट जहाँ पे ये तकलीफ है कि ये समस्या मेरी बचपन से चली आ रही है और कान बहने की समस्या बचपन से है और कान से मवाद आ रहा है, तब ऐसे केस में आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। और ऑपरेशन कराने के पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं कि आपका कान सूखा रहना चाहिए, क्योंकि गीले कान में जब भी कभी आप ऑपरेशन कराओगे तो ऑपरेशन के फेल होने का चांस होता है, क्योंकि जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं और नया चदरा लगाते हैं, तो नए चदरे की सिलाई नहीं होती है, उसको जस्ट एक पैचवर्क टाइप का किया जाता है। तो अगर आपका कान गीला रहेगा ऑपरेशन के दौरान, तो पर्दा के सरकने का चांस और ऑपरेशन के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जब भी ऑपरेशन करा रहे हैं, तो ऑपरेशन कराने के पहले आपका कान पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। और ऑपरेशन कराने के बाद भी हम लोग मरीज को यही सलाह देते हैं कि कम से कम 3-4 महीने तक आपके कान में पानी नहीं जाना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं यही करना चाहूँगी कि लोग अक्सर कहते हैं कि अगर कान का ऑपरेशन करा रहे हैं तो साल में हर वक्त में से किसी में नहीं करा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सीज़न देख के करना चाहिए, ख़ास तौर पर लोग ठंड का मौसम प्रेफर करते हैं, तो क्या इस बात में कोई तथ्य है या बस ये गलत बात है? नहीं, जो कान का ऑपरेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस सीज़न में करा लो उस सीज़न में करा लो। बेसिकली इसमें ये है कि ठंड के समय में हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो ठंड में प्रेफर करते हैं लोग।
बरसात के दिनों में क्या है, हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं कि ऑपरेशन के बाद जैसे बरसात में गीला होने का चांस है, कान में पानी जाने का चांस है, तो वैसे केस में ऑपरेशन के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गर्मी के दिनों में क्या है कि गर्मी के दिनों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो स्वेटिंग होने से भी कान अंदर चिपचिपा रहेगा, गीलापन रहता है। तो यही सब कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि ठंड के दिनों में ऑपरेशन कराना तो अच्छा रहता है, बट अगर आप प्रिकॉशन लो तो आप ऑपरेशन किसी भी महीने में करा सकते हो। जी।